और कैसे आंटी? आजा आजा, तेरी राह देख रही हूँ। बैठ, पानी लाती हूँ। अरे इतना हाफ क्यों रहा है? नहीं अंकल, वो ऑफिस से आने के लिए ऑटो नहीं मिला तो बस चल के आना पड़ा। तो कल आ जाता, इतनी जल्दी नहीं थी। कल ऊपर जोशी अंकल के घर जाना है, उनको भी सिखाना है। इस उम्र में उसको क्या याद रहेगा? आंटी आपका फोन। हाँ, रुक। जो डायरेक्ट पेमेंट का तूने जो बताया था मैं भूल गई हूँ। उसमें क्या, अभी बता देता हूँ। अरे वो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड मैसेज भेजते हो ना, वही बहुत बड़ी बात है। काश सीखने बैठे ऑनलाइन। आप चुप बैठो जी। अरे ये नौजवानों का काम है, 65% नौजवान है जो देश को आगे लेके जाएंगे, ये सब इन पे छोड़ दो। देश 65वीं सदी से नहीं 100वीं सदी से चलता है अंकल। हाँ हाँ, मगर कुछ आदतें एक उम्र के बाद नहीं बदल सकते है ना। 70 साल की उम्र में देश बदल रहा है अंकल, आप तो फिर भी 60 साल के हो। जब तक नहीं सीखेंगे इन्हें सिखाऊंगा और इस देश को कैशलेस बनाऊंगा ताकि अपना देश काले धन से मुक्त हो। डिजिटल इंडिया ही है काले धन का इलाज, और मैं मदद करूंगा उन लोगों की जो इस डिजिटल दुनिया से दूर है। मैं सिद्धेश भिवड़े, इस परिवर्तन का सेनानी, अपना थोड़ा सा समय इस देश के लिए समर्पित करता हूं, और आप